हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो गाइस, अभी कुछ काम की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैं अभी वापस से वीडियो डाल रहा हूँ, आज अपलोड करूँगा। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आपकी बाइक में पानी आने की समस्या आ रही है और आपने बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं तब भी पेट्रोल टैंक के अंदर पानी जा रहा है, तो उसका क्या रीज़न है और अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है गाइस, हाँ तो गाइस वीडियो करते स्टार्ट, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं पानी कैसे जाता है। तो मैं यहाँ पर टैंक का लॉक खोल लेता हूँ। तो गाइज़ अभी ये मैंने कवर लगाया हुआ है, और उसके बाद भी बाइक में बाइक के अंदर टैंक में पानी चला गया था। तो उसका रीज़न बताता हूँ क्यों जाता है सब चीज़ लगाने के बाद भी। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे ये रबर है, और ये रबर में आप देख सकते हो ये आपको दिख रहा होगा जंग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जंग दिख रहा है। ठीक है, और ये जंग यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो जंग है ये लगने का कारण है कि इसके अंदर पानी गया है यहाँ से। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो होल अपनी बाइक में आपको दिख रहा होगा वो भी प्रॉपर सही है, मतलब खुला हुआ है और पानी उसके अंदर से निकल जाता है। लेकिन इसके आएगी ये रबर ख़राब होने की वजह से पानी अंदर जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि ये लॉक में चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, ये लॉक चेंज कर चुका हूँ, उसके बाद भी पानी अंदर जा रहा है। तो इसका रीज़न बताता हूँ, ये आप देख रहे हो ये जैसे ही अपन इसको लॉक लगाएंगे ना, तो गाइस ये पूरा अच्छे से प्रॉपर लगता नहीं है। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा ना ऐसा ऊपर नीचे रह जाता है, आपको कैमरे में नज़र नहीं आएगा। ये देखो ये मैं दबा रहा हूँ तो अंदर दब रहा है, तो इसी के रीज़न की वजह से पानी जा रहा है। क्योंकि क्या होता क्या है, ये अच्छे से लॉक नहीं होता। अब ये लॉक क्यों नहीं होता अच्छे से, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी कंपनी से मुझे क्या पूरा ये कम्प्लीट सेट चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना लॉक नहीं चाहिए अंदर का, मुझे कंप्लीट नहीं, जो पूरा टैंक लॉक है यही चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, ये आप देख सकते हो ये जो ये रहता है ना, ये देख लो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से टैंक के अंदर पानी जाने। अब ये क्यों ख़राब होता है ये बता, ये है ना कुछ समय होने के बाद ना ये सब चीज़ों के अंदर जो स्प्रिंग होती है वो सब ख़राब हो जाती है और ये घिससे आते हैं। ठीक है, तो अपन टैंक लॉक लगाते हैं ना ढक्कन, तो ये क्या होता है, ये अंदर से हल्का सा घिस जाता है, पतला हो जाता है, तो जिस वजह से अपना क्या होता है ये लॉक ऐसा उठा हुआ रहता है। ठीक, अभी मैं इसको दबाऊंगा तो ये लॉक और दबेगा। ठीक है, ये देखो दब रहा है और, है ना, तो इसके अंदर से क्या होता है, जो इधर साइड की जो रबरें रहती ना वो अच्छे से लॉक नहीं कर पाती टैंक को। ठीक है, उस वजह से क्या होता है पानी अंदर जाने लग जाता। तो अगर इसको सही करना है तो आपको चाहिए रहेगा पूरा ये जो पूरे टैंक लॉक है ना केप वो चाहिए रहेगा। और अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से हल्का हल्का ये घिस भी चुका है। ठीक है, मतलब यहाँ से ये जो टैंक का मेटल है ना ये कम हो गया, तो बस यही रीज़न है कि ये बता रहा है कि ये घिस चुका है। तो अपने को क्या करना है, पूरा टैंक का लॉक चेंज करना है, और बाकी अगर आपकी बाइक में यहाँ का होल जाम है जो कि यहाँ पर होता है आपको दिख नहीं रहा होगा, वो होल को आपको पूरा क्लीन करना है, और बाकी आइट साइड से हल्का हल्का एमटी पेपर मारना है जिससे पूरा चिकना हो जाए, उसके बाद में आपको नया टैंक लॉक लगा देना है। सर अभी गाइस ना पानी आने की वजह से ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी चला गया था, और उस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था, तो यही रीज़न था मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं करी थी, और ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी था। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको अब मैं ये बताता हूँ कि अगर कभी इसके अंदर एसी बाइकों में पानी चले जाए तो कैसे निकालोगे। तो आपको गाइस करना क्या है, इनको निकालने पानी निकालने के लिए ना आपको एक लेवल पाइप लेना है जो हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा। ठीक है, और वो पाइप को इसके अंदर डालना है, और पाइप से पेट्रोल को खींच लेना, और अपनी एक जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है उसमें निकाल लेना है, और उसमें से पूरा पानी पानी अलग कर लेना है। जब आप बॉटल को उल्टा करोगे तो आपको पानी पानी नीचे दिखेगा और पेट्रोल ऊपर रहेगा, तो आप जैसे ढक्कन खोलोगे कैप बॉटल का कैप खोलोगे पूरा पानी पानी निकल जाएगा, और तो बाकी जो अच्छा पेट्रोल रहेगा वह वापस डाल लीजिएगा गाड़ी में। ठीक है, तो आप अगर आपकी कोई भी बाइक हो, ठीक है, और उसके बाद में आपको गाइस में कह रहा था कार्बोरेटर के नीचे ना एक नट लगा होता है जहाँ से अपन पानी वानी या कभी ख़राब पेट्रोल देता है उसको निकालने के लिए, वो नट को लूज़ करके वहाँ से पूरा पेट्रोल निकाल लो, और उसके बाद नया पेट्रोल अच्छे से डाल दो। ठीक है, और अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल पंप है FI है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिर्फ टैंक में का पेट्रोल निकालना ख़राब वाला, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
तो बस इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। बाकी इसके जो जहाँ से ये पाइपलाइन गई है वहाँ पे एक फिल्टर होता है, वो फिल्टर को भी साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तो मैंने निकाल लिया पेट्रोल में से पूरा पानी, और वही पेट्रोल मैंने वापस से डाला है, तो पेट्रोल और पानी कभी मिक्स नहीं होता है, ठीक है। पानी का वेट ज़्यादा होता है, तो जब भी आपकी गाड़ी में पानी आता है तो पानी नीचे रहता है और उसके ऊपर पेट्रोल रहता है, इसलिए जब भी आप बाइक स्टार्ट करोगे तो पहले आपकी कार्बोरेटर के अंदर पानी जाएगा और इंजन के अंदर भी पानी जाएगा, इसलिए गाड़ी आपकी मिसिंग करती है अगर पानी चले आता है। तो बस गाइस इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा।